सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से, खबर है जहां भोपाल में बीजेपी का कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित किया गया। महाकुंभ में पीएम मोदी जमकर गरजे। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला, कहा कि कांग्रेस का ठेका अर्बन नक्सलियों के पास है, कांग्रेस को अब अर्बन नक्सली चला रहे हैं, नारों से लेकर नीतियों तक आउटसोर्स कर रही है कांग्रेस। ये तमाम बातें कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, विजय मंत्र दिया। कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वही कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। ये बात कही, कहा कि मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने बीमारू बना दिया था, बीमारू राज्य बना दिया था, लेकिन ये स्थिति बीजेपी की सरकार नहीं सुधारी। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो में शामिल हुए, एक विशाल रोड शो निकाला पीएम मोदी ने भोपाल में। दूसरी तस्वीर जमुरी मैदान में जनसभा स्थल पर पहुंचे, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता इस मंच पर नजर आए। तीसरी तस्वीर जब महिलाओं ने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक बड़ा सा फूलों का हार पीएम मोदी को पहनाया गया। इसके बाद चौथी तस्वीर नीचे जो कि पीएम को महिलाओं ने भेंट भी की, जो यहां पर कह सकते हैं कि तोहफे के रूप में ये भेंट किया। और साथ ही पांचवी तस्वीर महिला आरक्षण की झलक यहां पर देखने को मिली, जब महिलाओं ने जमकर स्वागत किया, उत्साह महिलाओं में नजर आया। और छठवीं तस्वीर अब की बार 150 पार का नारा भी दिया। कांग्रेस और उसके नए नए गमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। ये लोग बहुत बौखलाए हुए हैं, ये अब एक नया खेल खेलेंगे, पक्का मानिए। और नया का खेल खेलेंगे, ये नारी शक्ति को बांटने की पूरी कोशिश करेंगे। नारी शक्ति एक न हो इसलिए भांति भांति की अफवाहें फैलाएंगे। इसलिए देश की हर माता बहन बेटी को सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। भाजपा ने गरीबों, महिलाओं, शोषितों, वंचितों, एससी, एसटी, ओबीसी को विकास का सबसे बड़ा लाभार्थी बनाया है। वंचितों को वरीयता की जो गारंटी मोदी ने दी है, उसे हमने एक के बाद एक कदम उठाकर पूरा किया है।